इन अवर सोसाइटी। प्रिंट मीडिया यानी पेपर है, मैगजीन है, इनकी हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है। इट इज़ अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी हमारे पास यानी मौलिक रूप से जो चाहत है ना, प्राकृतिक जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, प्राकृतिक रूप से जानने की इच्छा। तो इट इज अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नोबडी वांट टू लिव इन इग्नोरेंस, यानी इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, अज्ञानता के साथ नहीं रहना चाहता। हैंस न्यूज़पेपर हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। इसलिए न्यूज़ के बिना हम न्यूज़पेपर के बिना नहीं रह सकते। द मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज एन इंडिस्पेंसिबल फॉर गुड स्टार्ट टू अवर डे एज द मॉर्निंग कप ऑफ टी। इंडिस्पेंसिबल यानी आवश्यक, यानी जो न्यूज़पेपर है वह सुबह सुबह चाय की साथ के एक कप चाय की टी के साथ अगर अपन करते हैं तो वह एक आवश्यक रूप से पढ़ा जाता है। इट इज अबल मेंटल ब्रेकफास्ट एंड अनलेस वी गो थ्रू द हेडलाइंस। यह हमारे सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट यानी एक टाइप का मेंटल ब्रेकफास्ट बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम मेन हेडलाइन पर जाते हैं। वी फील अनइजी व्हाट टू टॉक ऑफ द सिटी ड्वेलर्स, इवन द पीपल लिविंग इन द विलेजेस आर सीन ईगर टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। देखिए, सिटी ड्वेलर्स यानी ड्वेलर्स यानी रहने वाले, शहर में रहने वाले और गांव के वो तो पीपल जितने भी होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। देयरफोर अ न्यूज़पेपर इज अ बेसिक नीड ऑफ अवर कॉमन पीपल। इसलिए न्यूज़पेपर आज के सभी आदमियों के लिए एक आवश्यक होता है। अ न्यूज़पेपर इन द मॉडर्न सोसाइटी हैज ग्रेट सोशल एंड एजुकेटिव वैल्यू। आज के जमाने में हमारे जो सोशल यानी सामाजिक और शैक्षणिक जो गुण है वो आवश्यक होते हैं। इट इज अ कॉमन मीडिया ऑफ गिविंग न्यूज अलॉन्ग विद द व्यू इट्स प्रिंसिपल एम इज टू सप्लाई न्यूज इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट व्यूज थ्रू कमेंट्स आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल। यानी हम क्या करते हैं, न्यूज़ को डिफरेंट थ्रू के यानी डिफरेंट फॉर्मेट में अपन पहुंचाते हैं। जैसे कोई कमेंट्स करता है, कोई आर्टिकल लिखता है, ठीक है, कोई एडिटोरियल या संपादकीय लिखता है। आप पेपर में हो तो देखिए लोगों के कमेंट्स आते हैं यानी व्यू आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनके विचार आते हैं और संपादक संपादकीय लिखता है। इट इज देयर फोर कॉल्ड द पीपल्स यूनिवर्सिटी। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सामान्य लोगों की यूनिवर्सिटी या जन कल्याण की, जन साधारण की यूनिवर्सिटी बोलते हैं। डिफरेंट पीपल एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। हर आदमी, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पीपल डिफरेंट टाइप की न्यूज हर पेपर में चाहते हैं। बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू नो द मार्केट ट्रेंड। जो बिजनेस मैन होते हैं वो मार्केट में क्या चल रहा है ये बताना चाहते हैं। फार्मर इज ईगर टू नो द वेदर रिपोर्ट, वेदर यानी मौसम। तो जो फार्मर होते हैं वो मौसम की जानकारी चाहते हैं, ठीक। अ बुक रीडर वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट अराइवल। जो किताबें पढ़ने के इच्छुक होते हैं वो मार्केट पे कौन सी नई किताब आई है इसकी जानकारी लेते हैं। अ न्यूज़पेपर सेटिस्फाई देम ऑल लाइक एन इंटीमेट फ्रेंड। यानी क्या हो गया, जो न्यूज़पेपर है वो एक आंतरिक मित्र बन जाता है। इट इज एविडेंस, यानी एविडेंस यानी प्रमाण, प्रमाण
दैट ए न्यूज पेपर होल्ड अ गेट पावर इन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक यानि लोकतांत्रिक, यानि हमारे लोकतांत्रिक देश में ये न्यूज़पेपर बहुत बड़ा पावर रखता है. इट मेंटेन अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, या सरकार और आदमी के बीच में एक संबंध स्थापित करता है. इट इज डीपली इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, यह है ओपिनियन यानी विचार, यह जनता के विचार को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, प्रभावित करके रखता है. इट स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मास. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन डन बाय द न्यूज़पेपर इज डेमोक्रेसी. यह हमारे जो न्यूज़पेपर है वह मास यानी बहुत सारे लोगों को, है ना, यहाँ पर इसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों को. ठीक. इट एक्सरसाइजेस सच ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस दैट इज नॉट ओनली ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस टू द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बट कैन इवन ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट. ठीक. ये क्या करता है, हमारे बहुत सारे वो तो लोगों में इन्फ्लुएंस डालता है, उसमें होता तो चेंज करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करता है, जबकि ये गवर्नमेंट इसको नहीं देखती या नहीं देख पाती कभी कभी. द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर हैव देयर फोर अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, संपादक हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. ठीक है बच्चों, तो ये आप देखिए, ये मेरे पास, ठीक, बड़ा ऐसे है, इसको मैंने दो पार्ट में किया हुआ है. ठीक है, आज मैं यहाँ तक बता रहा हूँ. ठीक, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला और ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करा दूंगा. आप पहले इतने पार्ट को क्या करिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें जहाँ जहाँ दिक्कत है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट में मैं इसको पूरा आपको समझा दूंगा.